ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, मतलब कि नहीं नहीं टूटना चाहिए, मतलब कि सिनेरियो अभी इसके हाथ में। हेलो भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और आज हम थोड़ा सा मार्केट का अपडेट्स लेते हैं, बिटकॉइन के बारे में अपडेट्स लेते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है और आखिर क्या चल रहा है, क्या ये बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा या इससे ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले बात करते हैं कि ऑयल की बड़ा बड़ी चर्चा हो रही है कि ऑयल गिर गया, नेगेटिव में आ गया, उसके बाद से क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद बिटकॉइन की चांस है, ये गिरेगा वो गिरेगा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑयल की प्राइस गिरने का बिटकॉइन के ऊपर कुछ असर नहीं है, ना ही इक्विटीज़ वगैरह पे कुछ असर पड़ने वाला है, ना ही इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो है WTI। ठीक है, US का जो ऑयल था उसके ऊपर जो प्राइस थे, उसका जो मे का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स था वो ख़त्म हो गया था एक्सपायरी पे। और दो ऑप्शंस रहते हैं यूज़र्स के पास, या तो डिलीवरी लो या तो उसको कैरी फॉरवर्ड करो टू द नेक्स्ट एक्सपायरी डेट जो जून की होती है। तो उस हिसाब से लोगों ने उसको डंप कर दिया, बेच दिया, प्राइस नेगेटिव चला गया। जो इंडियन ऑयल प्राइसेस है डेट डिपेंड्स अपॉन द ब्रेंट। ओके, ब्रेंट और WTI में बहुत डिफरेंस होता है, उस चीज़ को हम इस पे लेके नहीं जाएंगे। फिलहाल दिमाग में बस ये बात ठान लीजिए कि वो जो प्राइस था ऑयल नेगेटिव में गया या ज़ीरो गया, उसका BTC के ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है, उसका इंडियन की जो इक्विटी मार्केट है उसके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला, इंडियन की जो ऑयल प्राइसेस है उसके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला। हाँ, वो जो प्राइस गया है ऑफ कोर्स उसका जो इफेक्ट होगा US मार्केट के ऊपर ज़रूर पड़ेगा और आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं। तो टाइम विल टेल कि इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल हम बात करते हैं BTC के बारे में, बात करते हैं क्रिप्टो की। बहुत दिनों से अपडेट्स नहीं दे पाया था, तो अभी क्रिप्टो की हम बात करते हैं कि क्या होगा। बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है, अगर मैं बिटमैक्स का देखता हूँ तो लगभग चल रहा है 6938 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं देखूँ मार्च 12 के आसपास जो इसने बॉटम बनाया था, लगभग 4000 से थोड़ा नीचे आया था, 3990 के आसपास आया था। उसके बाद से इसका जो एक हाई गया था, लगभग गया था 7400, या हम कह सकते हैं 7500 लमसम उसके आसपास गया था, जो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था वहाँ तक गया था। उसके बाद से ये एक रेंज के अंदर चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पता करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो क्या कहता है डिपेंडिंग अपॉन द मूविंग एवरेजेस। चीज़ों को हम बहुत संतुलित तरीके से देखेंगे, ज़्यादा खिचपिच नहीं करेंगे चार्ट्स के अंदर। जो मूविंग एवरेजेस उसको देख के हम पता करते हैं कि क्या चलेगा। देखिए, मूविंग एवरेजेस हमें क्लियर कट बताता है कि जो प्राइस है वो 200 181 के नीचे चल रहा है, और इसको जो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है वो रेजिस्टेंस है लगभग यहाँ पे 55 का जो मूविंग एवरेज है वो इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, 41 है, और 21 जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ये घूम रहा है। ओके, नाउ द मेजर पॉइंट यहाँ पे ये है कि 21 जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, मतलब कि नहीं नहीं टूटना चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, और जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो भी एक ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल पूरा नीचे होना चाहिए, कैंडल का ऐसा नहीं है कि आधा बॉडी ऊपर हो आधा बॉडी नीचे हो, वो नहीं। अगर ये ग्रीन लाइन जो है इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है और कैंडल का हाई भी उस ग्रीन के नीचे होता है, देन डैट इज़ अ साइन ऑफ डंप, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। बट लेट्स सी, हमने पहले भी देखा है कि इस जो जोन है 21 मूविंग एवरेज, इसने काफ़ी अच्छा खासा एक सपोर्ट दिया और ये एक बाउंस बैक भी हुआ है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका आगे टारगेट क्या जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल मैं मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे हाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि क्या सिनेरियो है एज पर मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हम इसको हाइड करते हैं। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, अभी एक वीडियो और आएगी मेरी ट्रेंड लाइन्स के ऊपर है, और काफ़ी अच्छी वीडियो है, और उसको आप देखना कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की सही टेक्निक क्या होती है और किस तरह से हम आगे का सिनेरियो पता कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहला ये जो हाईज है इसको पकड़ के 3-4 पॉइंट्स को मैं यहाँ पे टच कराता हूँ। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है, ये नीचे का ट्रेंड लाइन है। इसके बाद से यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करूँगा मिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, जैसे कि ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ पे ये देख रहे कर्सर, ये तीसरा हो गया। तो तीन काफ़ी है, मैं इन तीनों को ही देख रहा हूँ, बाकी लाइन कहाँ भी जाए उसके में टेंशन नहीं है। तो ये तीन लाइन का मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है पैरेलल टेक्निक इन ट्रेंड लाइंस, इसकी वीडियो आप देख लेना, मिड लाइन से नीचे की तरफ चल रहा है, डैट मीन्स साइन थोड़ा बेरिश है। ठीक है, अगर ये मिड लाइन से ऊपर की तरफ होता तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते कि ये जो ऊपर की लाइन है इसको ब्रेक करता, लेकिन ये जो मिड लाइन के नीचे चल रहा है,
मतलब कि सिनेरियो अभी इसके हाथ में, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, फिलहाल 6947 के आसपास चल रहा है, अगर नीचे ब्रेक होगा प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। तो अब चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ व्हाट टारगेट आई कैन एक्सपेक्ट। अगर इस लाइन से ब्रेक हो जाता है और कैंडल अगर क्लोज होता है नियर अबाउट, अगर 6700 के नीचे अगर क्लोज होता है, वी नेवर नो, अगर एक फ्लैश क्रैश आया तो बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ज़्यादा सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा मुझे। पहला सपोर्ट जोन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6400 के आसपास दिख रहा है, उसके बाद से एक सपोर्ट जोन है 5800 के आसपास है, देन 5000 के आसपास है। लेकिन अगर यहाँ से गिरा तो डेट विल बी एक पैनिक साइन होगी। रीज़न उसके पीछे ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऑयल प्राइसेस भी है कि ऑयल प्राइस अगर नेगेटिव गिर गया, ठीक है, अगर ऑयल गिर सकता है तो बाकी चीज़ें बहुत तेज़ी से गिर सकते हैं, बट दे डोंट नो कि वो WTI है, बाकी ऑयल प्राइसेस के अंदर कुछ नहीं हुआ, डेट इज़ द US फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी ये सारी न्यूज़ के बाद भी BTC अपनी पोजिशन पर खड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी होल्डर्स हैं उनके अंदर कोई पैनिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, अगर थोड़ा सा भी जो प्राइस है 7000 को अगर ये टच करता है, तो आपके जो टारगेट्स होंगे डेट विल बी 7300 के पास आपके इसके टारगेट होंगे, और उसके बाद से 7444 में कहूँगा, 7444 का जो जोन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा जो एक मेन टारगेट होगा डेट विल बी 7600, ठीक है, क्योंकि एक वो मिड रेंज है हमारा, और वो मिड रेंज ब्रेक होगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छा खासा हम 8000 और लगभग कह सकते हैं 8800 के आसपास देख सकते हैं प्राइस के मूवमेंट। ओके, क्योंकि ये मत आप सोचिए कि वो गिर गया ये गिर गया तो BTC भी उस हिसाब से आएगा। BTC जो मूवमेंट है वो बहुत हद तक देखा जाए तो गोल्ड को पकड़ के चल रहा है, और गोल्ड भी उस हिसाब से अपनी एक स्ट्रेंथ बनाए हुए है ऊपर की तरफ। ओके, 1700 के आसपास चलता है, फिर बाद में 1690 के आसपास, 1650, इस रेंज में काफ़ी अच्छा खासा वॉलेटाइल है, घूम रहा है, और बहुत सारे लोग BTC के प्राइस को जो है डाउ जोन से भी कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ उसके प्राइस के हिसाब से चल रहा है। बट देखिए, कभी कभार थोड़े पैटर्न्स आपस में मेल खाते हैं, डजेंट मीन कि एकदम पूरी तरह उसी हिसाब से चलेगा अगर कुछ हफ्तों से चल रहा है, लेकिन गोल्ड और BTC महीनों से एक ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं और दोनों सर के सर के चलते जा रहे हैं। तो आप अगर उतना नहीं सोचना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बस इस चीज़ को पकड़ के रखिए कि ये आपकी एक रेंज है, ट्रेडिंग रेंज है, आपको इस हिसाब से करना है। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, पहली वेव, उसके बाद दूसरी वेव, उसके बाद ये तीसरी वेव, उसके बाद ये चौथी वेव, और उसके बाद अगर ये पांचवी वेव यहाँ कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद आता है एक करेक्शन वेव आती है ए, और उसके बाद आती है करेक्शन वेव बी आती है, और बी अगर इसको क्रॉस करती है तो अच्छी बात है, क्योंकि बी हमेशा बड़ी होती है, जिस तरह से एक इलियट वेव्स के अंदर पांच वेव्स जो होती हैं उसके अंदर तीसरा और पांचवा वेव, दैट इज़ द इम्पल्सिव वेव, बड़ी होती है। तो बी जो है अगर यहाँ आती है तो कम से कम हमारा 8000 का टारगेट हो सकता है, और उसके बाद से थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकती है, बट लेट्स सी कि वेव कितनी बनती है। फिलहाल हमको वेट करना है कि आने वाले 2 दिन या ये जो कैंडल है ये ग्रीन में कंप्लीट होता है तो लोगों के अंदर थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, एंड वी होप कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि BTC का प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और कौन सा एक मिड जोन है, अगर उसको ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे की जो ट्रेंड लाइन है अगर उसको ब्रेक करता है तो कहाँ कहाँ उसको सपोर्ट मिल सकते हैं। तो आई एम श्योर कि उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रेड की सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।